अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कोरोना से परेशान है, यहाँ कोरोना की रफ्तार तेज है, लेकिन मुंगेली से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो परेशान कर देने वाली है। आप भी देखिए ये परेशान कर देने वाली लापरवाही की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौधन न्याय योजना की शुरुआत की थी, इस दौरान मुंगेली में भी इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ग्राम कंतेली में नव नियुक्त संसदीय सचिव तखतपुर विधायक डॉक्टर रश्मि सिंह ने योजना का गौ पूजन कर मुंगेली जिले में योजना का शुभारंभ किया, लेकिन इस कार्यक्रम में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। खास बात ये भी थी कि इस कार्यक्रम में जिले के तमाम अधिकारी और आला नेता भी मौजूद थे, बावजूद इसके यहाँ लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया। कुछ कुछ जगहों पे हम लोगों ने चाहते हुए भी कि नहीं चाहते हुए भी कि जो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत है उसमें मार्क को संभाल नहीं पाए या फिर जो जनप्रतिनिधि थे वो आए और गांव में भीड़ था। एक ये भी रहता है कि जो गोबर बेचने के लिए जो शासन की नई योजना आई हुई थी उसमें आम जनता में काफ़ी उत्साह था, हरेली की त्यौहार थी, इसलिए भी हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि सभी मास्क पहने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ जगहों पे भी नहीं हुआ, कल मैं स्वयं भी था वहाँ पर भी ऐसा नहीं हो पाया। ऐसी लापरवाही पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इस मामले में अब कांग्रेस को घेरने में जुटी है। वो पूछ रही है कि कोरोना काल में ऐसे आयोजन की आखिर जरूरत ही क्या थी। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हुआ, उसी के तारतम्य में हमारे मुंगेली में हुआ, कंतेली में। वहाँ पर टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, ये समझ से परे है और उनकी कथनी और करनी में अंतर है। कोरोना महामारी से किस प्रकार लड़ेंगे ये छत्तीसगढ़ की सरकार, ये समझ में नहीं आ रही। जिला कलेक्टर अपने बयान में खुद ही लापरवाही की बात कबूल कर रहे हैं, लेकिन उनके कबूलनामे से खतरा कम नहीं हो जाता। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों को भी बुलाया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों को अगर कोरोना हुआ तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। तस्वीरों को देख आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वहां एक भी संक्रमित व्यक्ति मौजूद रहा होगा तो फिर इससे कितने लोग संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। मुंगेली से भूपेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।